दस दिन से ज्यादा समय निकल गया लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना, और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनको उनका लागू है। और इसलिए ये जब बना नहीं पाए और राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे समय श्री अजीत दादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं, और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिये तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है वो आगे चले, इसके लिए सहकार्य भी हम करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार का प्यार हमको दिया, मैं उस प्यार से अभिभूत हूं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं ये मानता हूं कि हमने जो 5 वर्षों में काम किया, चाहे वो गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे खेती किसानी का हो, चाहे कनेक्टिविटी का हो, चाहे गरीबी हटाओ का हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लागू करना हो, हर काम पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ किया, और इसी के चलते महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी यहां पर उभरे। और मैं महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ मैं हमारे नेता आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो पिछले 5 वर्ष इस सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। और महाराष्ट्र को अगर आप तुलना करके देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की मदद पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को प्राप्त हुई, और इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वो हमेशा किसी भी समस्या की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। हमारे कार्याध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे अफसरों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे साथी जो 5 वर्ष हमारे साथ थे, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रिमंडल में जो मेरे सारे सहयोगी रहे, हमारे जो विधायक रहे, हमारे जो पार्टी के नेता रहे, जो कार्यकर्ता रहे, क्योंकि जो भी हम कर पाए ये उनके कारण कर पाए, ये टीम का श्रेय था। एक टीम करके हम काम कर रहे थे, और इसलिए मैं उनका भी सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी का, मीडिया का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 5 साल आपका भी बहुत सहयोग हमको मिला, और मैं महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रश्नों को लेकर, उनके सपनों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है, वो आगे भी निरंतर बढ़ता रहेगा। कुठली अट नव्हती। असं आहे की राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यास व्हॅक्युम ठेवता येत नाही। राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यावेळी गव्हर्नरचे अधिकार संपलेले असतात, त्यामुळे तिथे जर सत्ता नसेल आणि गव्हर्नरलाही अधिकार नसतील तर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाऊनची परिस्थिती येते, आणि म्हणून तात्काळ शपथ घ्यावी लागते, म्हणून ती शपथ घेण्यात आली। देखिए, पहली बात यह है, हमने महाराष्ट्र में हमारे साथी के साथ ही सत्ता बनाने का पूरा प्रयास किया, नहीं बनी तो हमने ये बताया हमारे पास नंबर नहीं है, उनको पूरा चांस दिया। तब भी वो जब सत्ता नहीं बना रहे थे तो महाराष्ट्र को एक सरकार की आवश्यकता थी, और इसलिए हमने सरकार बनाई। देखिए, अभी इसका जवाब अजित पवार दे सकते हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, दरवाजे उन्होंने बंद किए थे। और अब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से साथ है, हमारे साथ नहीं है। फडणवीस जी, सवाल अजित पवार का इसलिए भी उठता है, माफ करिए मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है, आप अगर सुन सकते हैं तो, इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि आपने खुद आपके भाषण में कहा था अजित पवार चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग की जगह पे आपके साथ वो अचानक कुछ दिन सुबह दिखाई दिए, और इसी को इसीलिए सबको झटका लगा, इसीलिए सवाल ये बार बार उठ रहा है क्योंकि आप खुद ऐसे थे, आप और विनोद तावड़े
आप दोनों ने अलग अलग सभागृहों में इरिगेशन घोटाले को इतने बड़े पैमाने पर उठाया था, आपने उस मुद्दे को लेकर ओपन इंक्वायरी ऑर्डर की थी, आपकी सरकार ने 3000 से ज्यादा टेंडर्स की इंक्वायरी की थी और उसी आदमी के साथ आप जब तक सरकार बना रहे, इसीलिए बार बार आपको ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा कैसे किया। किसी को जोड़ के आप जुड़ी हो, मैं बता देता हूँ, ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, 5 सालों में सारी इंक्वायरी भी हमने की और बची हुई सारी इंक्वायरी कोर्ट मॉनिटर चल रही है और इसलिए कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस में सबसे ज़्यादा वोटों से वो चुनकर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको गुटनेता बनाया, अब जब सत्ता बनेगी तो गुटनेता के साथ ही बनेगी, अगर वो गुटनेता नहीं होते दूसरे को होते तो देखिए अभी गलती हुई या नहीं हुई है तो बाद में सोचेंगे, अभी तो